पता करें कि गाय भैंस ब्याने वाली है, जनने वाली है या बछड़ा देने वाली है? आप देखकर कैसे पहचान लेंगे, आज आपको हम पूरी डिटेल से बताने वाले हैं कि आप पशु को देखकर ही बता देंगे कि इसका समय पूरा हो चुका है या इतने घंटे में बछड़ा दे देगी। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पशुओं में पशु मालिक को पता ही नहीं रहता है कि उनका पशु कब जनने वाला है, कब बछड़ा देने वाला है। तो आज हम आपके सामने डिटेल से बताएंगे और आप समय भी बता देंगे कि 1 घंटे बाद बछड़ा देने वाली है, 2 घंटे बाद बछड़ा देने वाली है, देख कर ही पहचान लेंगे। इन सारे सिम्टम्स हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको रियल चीजों के बारे में नॉलेज कराया जाता है। बिल्कुल सारी चीजें रियल बताई जाती है, प्रैक्टिकली भी बताई जाती है। तो इस ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम चर्चा कर रहे हैं कि आप पशु को देखकर कैसे पहचान लेंगे कि आपका पशु बछड़ा देने वाला है। देखिए, ये एक आम समस्या हो गई है, पशु मालिक को पता ही नहीं रहता है कि उनका पशु कब बछड़ा देने वाला रहता है। कुछ पशु मालिक क्या रहते हैं, गांव में कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको बुला लेते हैं, वो कुछ भी बता देता है, वो जबरदस्ती बछड़ा भी निकाल देता है हाथ डालकर। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करवाना है, यह पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक और घातक सिद्ध होता है। आपने देखा है कि जो गांव में जो रहते हैं वो क्या बछड़ा निकालने का काम करते हैं, उनके पास न तो कोई स्लूज रहता है, न उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है, न उनको किसी प्रकार का नॉलेज है। उनको यह भी पता नहीं रहता है कि पशु कब बछड़ा देने वाला है। पशु मालिक को तो पता ही नहीं रहता है, पशु मालिक तो उसको बुलाता है, वो 2-4 लोगों को इकट्ठा करता है, ऐसे हाथ डालता है, बछड़ा खींचता है, खींच खींच के पशुओं को भी खराब कर देता है, बछड़ा भी कभी कभी मर जाता है, कभी कभी पशु भी मर जाता है। यह अनभिज्ञ लोगों का काम है, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि आपका पशु बहुत ही कीमती है, बहुत ही महंगे महंगे पशु रहता है। उसके बाद पशुओं की जान भी जाती है, 2 पशुओं के एक साथ जान भी चली जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाना है, आपको ऐसे वीडियो देखना है, उससे नॉलेज प्राप्त करना है और आपको खुद डॉक्टरों के द्वारा ये काम करवाना है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका पशु कितने समय में बछड़ा देगा और किस कंडीशन में बछड़ा देगा, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो हम चलते हैं। सर्वप्रथम, यदि आपको देखकर पता करना है कि आपका पशु ब्याने वाला है तो आप कैसे पहचान लेंगे? तो देखिए, आप पशु तो रखते ही है, पशु आप प्रेग्नेंट है, 10 महीने 10 दिन हो गए हैं और आपको लग रहा है कि पशु, देखिए, देख के पहचान लेना है कि पशु ब्याने वाला है। कैसे पहचानेंगे कि आप पशु को रखते हैं, पशु चारा पानी कंप्लीट खा रहा है, गोबर कर रहा है, पेशाब कर रहा है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है और उसके ब्याने का समय है। तो जब ब्याने का समय पूरा होता है पशुओं का, तो पशु धीरे धीरे क्या रहता है, उसका जो गोबर रहता है धीरे धीरे पतला होता है। सर्वप्रथम यह देखना है कि उसका गोबर हल्का हल्का पतला होना शुरू हो जाता है। जब गोबर पतला शुरू होता है, उसके बाद जो पूंछ रहती है, उनके दोनों साइड में जहां इंजेक्शन लगाते हैं पुट्टों पर, उन दोनों साइडों में गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे आप दबा के देखेंगे, बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। ये दोनों सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पशु में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, पशु जो रहता है वह पाना, जिसको कि हम दूध बोलते हैं, अड्डर में दूध उतार देगा, दूध उतार देगा। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ पशुओं में जो नाभि रहती है वहां तक पानी इकट्ठा हो जाता है, यह भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। कुछ केसेस में आपने देखा है कि पशु धीरे धीरे करके चारा बंद कर देगा, यह भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, यदि पशु ब्याने वाला है तो यह सिम्टम्स आपके सामने आएगा। अब यह कैसे पता करें कि पशु 2 घंटे बाद बच्चा देगा? यदि उसका गोबर पूरी तरीके से पतला हो गया है, पानी जैसा, नाभि तक सूजन आ गई है, पानी उतर गया है, पशु बिल्कुल चारा बंद कर देगा, इधर जाएगा, इधर भागेगा, बैठेगा। यदि कोई सामने से उनको हम देखते हैं, पशु मालिक खड़े रहते हैं, तो पशु हल्का हल्का जोर मारेगा, ब्याएगा नहीं। तो आपको ये सिम्टम्स देख के पता कर लेना है, बस पशु में 2 घंटे 3 घंटे बाकी बचे हैं। यदि पतला गोबर कर दिया तो 1 से 2 घंटे में पशु बछड़ा दे देगा। यह सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और जब बछड़ा देने वाला होता है, उसके 1 या 2 घंटे पहले पशु बिल्कुल चारा बंद कर देता है, यह भी हमें देखने को मिलता है। और जीरे देने लगता है, पशु के पेशाब की जो जगह रहती है, जो बच्चा देगा वेजाइना से, उसको जीरे पानी जैसे तांते, बड़े बड़े तांते निकलने शुरू हो जाएंगे।
यह भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन सारे सिम्टम्स के आधार पर आप पहचान लेंगे कि पशु ब्याने वाला है, और आपको न तो किसी गांव में जानने वाले को बुलाना है, न किसी डॉक्टर से पूछना है। यदि ये सारे सिम्टम्स आपको मिल जाए तो आप खुद पता कर लेंगे कि आपके पशु में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, पशु आराम से बछड़ा दे देगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।